गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिकेटर्स कर रहे हैं। तो लास्ट जो आपने किया था इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स, इकोनॉमिक अटेनमेंट की बात की थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। अब सोशल एम्पावरमेंट क्या है? जो सामाजिक आपका सशक्तिकरण है, कैपेबिलिटी है, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। तो एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम, ठीक है। अब फ्रीडम किससे? आज़ादी आपकी किससे मिलेगी? आज़ादी आपको हंगर से, पॉवर्टी से, ठीक है, सर्विट्यूड से, बॉन्डेज से, इग्नोरेंस से, इलिटरेसी से, जितने भी ये पहलू हैं, इन सभी से जब आप फ्री हो जाएंगे तो मीन्स आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। सोशल एम्पावरमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे फर्स्ट इंडिकेटर आता है लिटरेसी। अब लिटरेसी सबसे मस्ट है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट की लास्ट में ही बात करते आ रहे हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जब हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एजुकेशन, ठीक है, लिटरेसी। जब ह्यूमन लिटरेट होगा तो ह्यूमन का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। लिटरेसी तो हमारी गवर्नमेंट भी लगातार ट्राई करती रहती है कि हम अपनी जो सिटीज़न है कंट्री के, उसको मैक्सिमम क्या करें, उनको लिटरेट करें, ठीक है। अब लिटरेसी की हम बात करते हैं तो लिटरेसी लास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी लिटरेसी इंक्रीज हुई है। और अगर हम लिटरेसी में सबसे बैकवर्ड स्टेट की बात करते हैं तो आपका बिहार स्टेट आता है लिटरेसी के अंदर, ठीक है। वहाँ पर केवल 47% लोग लिटरेट हैं, मीन्स मोर देन 50% आर इलिटरेट, 50% से ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं। और इसी तरह से आप देखते हैं कि बिहार जो है वो बैकवर्ड स्टेट में काउंट होता है। उड़ीसा की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी लिटरेसी बहुत कम है। उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा को भी हम बैकवर्ड स्टेट के अंदर काउंट करते हैं। और उड़ीसा और बिहार लास्ट आपने पढ़ा था कि इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी सबसे पीछे हैं, पॉवर्टी के हिसाब से भी। जब इकोनॉमिक अटेनमेंट्स की हम बात कर रहे थे तो जो बिहार है वो सबसे बैकवर्ड में एरिया में काउंट होता है, मीन्स वहाँ पर लोग लिटरेट नहीं हैं। लिटरेट होंगे तो देखो, गवर्नमेंट सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस तो है ही, उसके साथ साथ अगर हम अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती है तो आप कहीं ना कहीं अगर लिटरेट हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो कोई ना कोई अपना जॉब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप अपना इजीली सर्वाइवल कर सकते हैं। और अगर हम सबसे हम कहते हैं कि भी सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा है, तो सबसे लिटरेट स्टेट आप केरला है। और केरला की इकोनॉमिक कंडीशन भी अगर हम बाकी सभी कंट्री के सभी स्टेट से कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब केरला का जो HDI काउंट होता है, अब यहाँ पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडिया से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इंडिया में जो केरला है नंबर वन प्लेस पर आता है और बिहार उड़ीसा सबसे पीछे आते हैं। तो देखिए, सारा बातें घूम फिर कर वापस से किस पर आ रही हैं? लिटरेसी पर आ रही हैं, एजुकेशन पर आ रही हैं। हम आप लोगों को, आपके पेरेंट्स लगातार ये कोशिश करते हैं कि आप लोग एजुकेटेड बने, आपके पास लिटरेसी हो, ठीक है, आपके पास एजुकेशन हो। इस तरह से हम हरियाणा की अगर बात करते हैं, देखो ये जो डाटा इस बुक में गिवन है ये अकॉर्डिंग टू द 2001 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टोटल लिटरेसी के बारे हरियाणा की बात करते हैं 68.59% है। अगर हम इसका डाटा ये 2011 की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा का जो लिटरेसी रेट है 76% अप्रोक्स है, और केरला का लिटरेसी जो रेट है वो है 95% और 96%। तो एजुकेशन में हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्राई किया है, काफ़ी पॉलिसी स्टार्ट की हैं कि भाई बेसिक एजुकेशन तो सभी के पास हो, क्योंकि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो लिटरेसी मस्ट है। इसके अलावा अगर हम सोशल एम्पावरमेंट के बाकी इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो आपके पास आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमने पहले बात की थी, ठीक है। तो इकोनॉमिक लिटरेसी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड आपका आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है आपका लिटरेसी के ऊपर। अगर आपको इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग होना है तो फर्स्ट पहले आपको क्या होना पड़ेगा, लिटरेसी। और आप ये डाटा के हिसाब से, जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, जिस स्टेट के अंदर लिटरेसी ज़्यादा है वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बाकी स्टेट के कंपैरिजन में काफ़ी हाई है, ठीक है। लिटरेसी केरला की ज़्यादा है तो HDI भी केरला का ज़्यादा है,
ठीक है, अगर बिहार उड़ीसा के लिटरेसी रेट में सबसे पीछे है तो सबसे पीछे SDI रैंक भी किसका है, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो बिहार और उड़ीसा का ही है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल डिस्पैरिटी। सोशल डिस्पैरिटीज़ की हम बात करते हैं तो देखो पहले के अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें उससे पहले के लिए तो मेल और फीमेल के अंदर काफ़ी डिस्पैरिटीज़ थी। पहले गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी, उनको बोला जाता था कि केवल आप घर के अंदर ही रह के वर्क कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज हुआ हम फ्रीडम की ओर गए, उससे आगे की तरफ हम बढ़े, ठीक है, लिटरेसी इंक्रीज़ हुई, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये चेंज हो गया है कि अब मेल और फीमेल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है और फीमेल को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। जब हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर हम अपने कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री की तरफ लेके जाते हैं, तो उसके लिए मस्ट है कि वर्किंग पॉपुलेशन 15 to 59 मैक्सिमम वर्क करें, ठीक है। अब मेल के पास तो एजुकेशन है वो तो वर्क करेगी ही करेगी, लेकिन उसके साथ में अगर फीमेल भी अगर वर्क करेंगे तो जो आप 70-30 का रेशियो देखो, 70 और 30, अभी अगर हम ऑल ओवर कंट्री की बात करें तो 30% लोग काम करने वाले हैं, 70% बैठ के खाने वाले हैं, क्लियर। ये 15 to 59 वाले ग्रुप के अंदर है, और जिसके अंदर मैक्सिमम लोग सभी लोग काम करने के लिए तैयार होने चाहिए, तो इसमें ये रेशो है, क्योंकि 0 to 14 ऑलरेडी डिपेंडेंट है 15 to 59 के ऊपर, और 60 और अबव वो भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, 15 to 59 के ऊपर। तो इसके लिए मस्ट है कि जो आपकी 15 to 59 वो मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्क करे, लेकिन इसकी रेशो हमारे पास 70-30, 30% ही काम कर रही है, 70% आपकी बैठ के खा रही है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, 30 के ऊपर। जबकि इसको सभी को अगर ये रेशो उल्टा अपोजिट हो जाए, 70 वर्किंग पॉपुलेशन हो जाए, 30 डिपेंडेंट हो जाए, तो कंट्री डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए मस्ट है जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है उसका भी एजुकेटेड होना मस्ट है, लिटरेट होना मस्ट है। इसलिए सोशल डिस्पैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो आज हम देखते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड के अंदर भी देखें यहाँ पे, ठीक है, और आपका हम एयरफोर्स के अंदर भी देखें, हम आर्मी के अंदर भी देखें, तो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो गया है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। UNDP की जो रिपोर्ट है, जो उसने SDI स्टार्ट किया था 1990 के हिसाब से हम देखें तो पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डिपेंड करता है वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर, वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन किस तरह की है, ठीक है। हम ये बात करेंगे पॉपुलेशन किस तरह की, पॉपुलेशन मीन्स आपकी इलिटरेट पॉपुलेशन ज़्यादा है या लिटरेट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेवलपमेंट कैसा होगा, एनवायरनमेंट भी उसी तरह का बनेगा, सोशल डिस्पैरिटीज़ भी कम होती चली जाएंगी। जब आपके पास एजुकेशन होगी, पॉपुलेशन एजुकेटेड ज़्यादा होगी, तो आपका एनवायरनमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होता चला जाएगा और डेवलपमेंट पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और SDI रैंक है जो वो पहले के कंपैरिजन में इम्प्रूव होगा। लेकिन लास्ट हम फ्यू ईयर्स से देखते हैं कि हमारा जो पहले SDI रैंक वो 126 था, किसी कहीं पर आपका डाटा 127 का आ जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अब हमारा SDI रैंक 132 है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में गिरा है। और उसका गिरने का एक मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने ट्राई किया था 2005-06 के अंदर, आप देखते हैं उसके बाद जो है 10th का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उससे क्या हुआ, लिटरेसी तो बढ़ी लेकिन नॉलेज स्किल नहीं बढ़ी। लिटरेसी का होना का मतलब ये नहीं केवल आपने क्लास को पास कर लिया, बल्कि आपके पास नॉलेज, आपके पास स्किल अवेलेबल होनी चाहिए। जापान का एग्जांपल कई बार आ चुका है, जापान हमारे से रिसोर्स परचेज करता है और हमारे से आज 50 ईयर्स एडवांस है, ठीक है, मीन्स वहाँ के लोगों के पास एजुकेशन है, लिटरेट हैं, वहाँ के लोगों के पास नॉलेज है, स्किल है, क्लियर। तो आप आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम दे रखे हैं, ये बुक्स के नाम आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपने इसको करा, लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 के अंदर शुमाकर, ठीक है, स्माल इज़ ब्यूटीफुल 1974, ब्रेडलैंड कमीशन एक रिपोर्ट आई थी जो आवर कॉमन फ्यूचर को लेकर चल रही थी, ये वर्ल्ड कम्युनिटी ने कुछ स्टेप लिए थे 1987 में, एजेंडा 21 आपने 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से रीड किया था कि इसमें एनवायरनमेंट के लिए भी ध्यान देना है, इसमें पॉपुलेशन के लिए भी वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आज आप ये अपना कंप्लीट करेंगे और ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाता है, इसको कंप्लीट रीड करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।